हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम कक्षा 8 के लिए विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1। बच्चों, विज्ञान में आज हमारी ये पहली वीडियो रहेगी। इससे पहले हमने विज्ञान में कोई वीडियो नहीं बनाई है। आज विज्ञान में हमारी ये पहली वीडियो है बच्चों। तो लेसन नंबर जो 1 है, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, मतलब विज्ञान से आज के समय में क्या क्या प्रगति हुई है, क्या क्या तरक्की हुई है। तो बच्चे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसको हम विज्ञान कहेंगे? किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। बच्चों, ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान को आपको 3 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में पढ़ना है? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग रहेगा विज्ञान का, वो रहेगा भौतिक विज्ञान। क्या रहेगा? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को बच्चों इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिक्स। क्या कहेंगे? फिजिक्स। एक विज्ञान बच्चों आपको पढ़ना है यहाँ पे, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। उसके बाद नंबर 3 आपको पढ़ना है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को बच्चों हम कहेंगे बायोलॉजी। कक्षा 8 की जो आपकी बुक है, उसके अंदर जो 3 विज्ञान है वो मिक्स दे रखे हैं, आगे पीछे करके दे रखे हैं। मतलब एक चैप्टर विज्ञान का, फिजिक्स का दिया, एक बायो को दिया, या फिर एक केमिस्ट्री का दिया, ऐसे आगे पीछे करके दिए हुए हैं। तो बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम मशीनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मशीनों अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान, जिस विज्ञान के अंदर हम गैसों का अध्ययन करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उस विज्ञान को हम कहेंगे रसायन विज्ञान, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे केमिस्ट्री। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी। जिस विज्ञान के अंदर हम पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहेंगे जीव विज्ञान। क्या कहेंगे बच्चों? जीव विज्ञान। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, मतलब आज के समय में विज्ञान के क्षेत्र में मतलब क्या क्या प्रगति हुई है। जैसे संचार का क्षेत्र ले लें, या रक्षा का क्षेत्र ले लें, या शिक्षा का क्षेत्र ले लें, या कृषि का क्षेत्र ले लें, मतलब उनसे उनके क्षेत्र में मतलब विज्ञान से क्या क्या प्रगति हुई है। जैसे प्राचीन काल में हम मतलब कोई भी माध्यम है, मतलब मीडिया है, वहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, तो हमको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में बहुत समय लगता था, मतलब 4-5 दिन लग जाते। लेकिन आज का समय क्या है बच्चों? आज के समय में फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन से एक कॉल करते हैं, वो जो जानकारी हमारी है वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर तुरंत पहुँच जाती है। जैसे हम पहले प्राचीन काल में पैदल चलकर जाते थे, लेकिन आज का समय क्या है बच्चों? हम ट्रेन, वायुयान या रेलगाड़ी के द्वारा एकदम सफ़र कर सकते हैं। उसमें हमारे समय की बचत होती है, हमारे समय की बचत होती है। तो बच्चों, आज के समय में विज्ञान से बहुत प्रगति हुई है, बहुत चेंज हुआ है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में विज्ञान से क्या प्रगति हुई है। हमारे जो माध्यम है, तो हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन में आजकल 3G, 4G, 5G तक की सुविधाएं चल रही हैं। उसके माध्यम से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, अपना फ़ोटो दिखा भी सकते हैं, फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्मार्टफोन, इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं? स्मार्टफोन से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट से हम अपना काम, ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और जीमेल, ये सब पार्ट संचार के माध्यम है। मोबाइल फ़ोन से हम एकदम जानकारी कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, जैसे संचार मानव की प्रगति के लिए एक अति महत्वपूर्ण है।
संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, जैसे टेलीविज़न है, कोई भी प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है, या हम कोई भी जानकारी शेयर करना चाहें तो उसको जानकारी को फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी हम तुरंत शेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हुए हैं। मतलब 2001 में भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई, भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई, नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिससे ई पोस्ट का नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, ई पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट। ई पोस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट की स्थापना हुई, ठीक है बच्चों। उसके बाद 20वीं सदी के अंदर संचार के क्षेत्र में हमारे पास क्या आया, मोबाइल फ़ोन आया। मोबाइल फ़ोन के बाद 21वीं सदी में हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आए, स्मार्टफोन आए, जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और हमारे पास 3G 4G मोबाइल की सुविधाएं प्राप्त हुई, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई की सुविधा हमें प्राप्त हुई। उसके बाद वायरलेस इंटरनेट, वीडियो टीवी मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं, बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन के आदान प्रदान से का संभव हो पाया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास जो नया टाइप है इसका, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बच्चों बहुत उन्नति हुई है, बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो पढ़ाई होती थी वो ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। लैपटॉप हमारे पास शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और फ़ोन से भी हम अच्छी तरह मतलब किसी प्रकार का क्वेश्चन नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद ICT की स्थापना हुई, शिक्षा को स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए ICT की स्थापना हुई। कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना में छात्रों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु मिला, तो ठीक है बच्चों। उसके बाद शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, ICT की भूमिका में नेशनल ऑफ एजुकेशन बल देता है ICT। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आजकल हम स्मार्टफोनों के अंदर ही अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कोई भी ऐप्स हमने डाउनलोड की, उस ऐप्स को जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 कोई भी ऐप्स है उसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, और उसमें किसी भी सब्जेक्ट की आप वीडियो या ऑडियो आप के अंदर देख सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में, नंबर 3 रक्षा के क्षेत्र में हम चंद्रयान टू को अंतरिक्ष में पहुँचाने में सफल रहे, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, भारतीय वैज्ञानिक है, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने मिसाइल पोखरण में एक मिसाइल बनाई, तो इसी के नाम पर उनको मिसाइल मैन कहा गया है। रक्षा के क्षेत्र में बच्चों ये जो वीडियो है ये केवल आपको समझनी है, देखकर इसका जो पहला नंबर का लेसन का जो वर्क है वो हमने आपको सेंड किया हुआ है, केवल वीडियो आपको केवल समझनी है देखकर। उसके बाद रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके बाद पृथ्वी अत्यधिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य वेधी विमान, बैकुत पैज प्रणाली आदि DRDO की मुख्य नवीनतम उपलब्धियां हैं। और मिसाइल मैन के नाम से आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है। इन्होंने पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक निभाई
इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रेक्षण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भी भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो नंबर चार, इसके बाद ये नंबर तीन था। नंबर चार हम पढ़ेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। जैसे हमको पहले एक्सरे या मतलब किसी भी बीमारी का इलाज कराना होता था, बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास लगभग सभी बीमारियों की मशीनें हमारे पास हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें जो इलाज है वो तुरंत एकदम सही हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जाँच करने के लिए किया जाता, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। ICT, MRI, CT स्कैन, ये सब हम तुरंत 5-6 घंटे में इनकी रिपोर्ट एकदम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। रोगी का चेकअप जिससे आसानी से किया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियाँ अंग प्रत्यारोपण, हेमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि। भारत में जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज भी हमने की है। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, बहुत उन्नति की है। जैसे हमें खेत के अंदर कोई भी काम करना होता है तो पहले हम फावले से काम करते थे, लेकिन हम ट्रैक्टर को लाते हैं, वो ट्रैक्टर से खेत को तुरंत एकदम बहा देते हैं, तो उसमें हमारे समय की बचत होती है। समय का उसमें अभाव होता है बच्चों, समय की बहुत उसमें बचत होती है। और अब आजकल के समय में उन्नतशील कीट बीज बहुत उपलब्ध हैं मार्केट के अंदर, उन बीजों को हम खेत के अंदर डालते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है, जिससे हमारी खेत की जो क्षमता है, पैदावार है, वो भी बढ़ती है। तो आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि प्रधान देश के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। आजकल जो खेती है, जैसे धान की फसल है, गेहूँ की फसल है, उसको काटने के लिए पहले लेबर लगानी पड़ती थी, आदमी काम को करते थे, लेकिन अब मशीनें आ रही हैं, मशीनें पूरे खेत को 2 या 3 घंटे के अंदर साफ कर देती हैं। ऐसी पेड़ों की कटिंग करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास हैं, दिखा भी रखी है डायग्राम में, आधुनिक कृषि यंत्र आजकल हमारे पास है बच्चों। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़ा कीटक नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है, छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप विधि का भी प्रयोग यहाँ पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परिवहन के क्षेत्र में, नेक्स्ट पार्ट, प्रश्न नंबर पार्ट नंबर 6 परिवहन के क्षेत्र में। तो परिवहन के क्षेत्र में बच्चों आजकल विज्ञान नवीनतम प्रगति की है। परिवहन का मतलब यातायात, जैसे हमें कहीं पर जाना है तो हम गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ कर तुरंत चले जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में बच्चों ऐसा नहीं था। हमको जाने में 5-6 दिन का समय लगता था, 4-5 दिन का समय लग जाता था, लेकिन आज बाइक हमारे पास है, रेलगाड़ी हमारे पास है, वायुयान हमारे पास है, इसमें हम तुरंत सफ़र कर सकते हैं। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र जो है उनको जोड़ने के लिए आजकल नई नई सड़कें बनी हुई हैं, नए नए वाहन उनके लिए तैयार हैं, सुविधा प्राप्त हुई है। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन से हम लंबा सफ़र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें समय की बचत होती है। मोनोरेल आदि चलने लगी हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा, CNG गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। CNG मेट्रो ट्रेन चल रही है आजकल बच्चों, उससे भी समय की बचत होती है, जिससे पर्यावरण भी हमारा संतुलित रहता है। रेलों की विभिन्न स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमारा ये लेसन नंबर 1 है वो हमने वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम लेसन नंबर 2 के लेके आपके पास आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को समझें और अच्छी तरह से देखें, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कॉल करके या मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।